जय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे डेसी टॉय को यूज़ कर सकते हैं। डेसी टॉय काफ़ी हाई डैमेज देते हैं। एक रेंज्ड अटैकर है जो इसका हाई डैमेज है, पर इसकी सबसे बड़ी परेशानी है इसकी कम एचपी। इसकी बहुत कम एचपी, इस पर काफ़ी मीम्स ही बनी हुई है इसके कम एचपी की वजह से। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं पैसिव की। पैसिव ऐसा करती है, जैसे कि आप ऐसे करीब से मार रहे हैं तो इसका कम डैमेज आएगा, और अगर आप दूर से मार रहे हैं ना, जो भी चीज़ डिस्टेंस से, जैसे स्पेस शैकल, लेजर, लीफ, तो उसका डैमेज ज़्यादा आएगा। तो अब हम पहले इसकी बात करते हैं शेडो स्नीक और स्पेस शैकल। स्पेस शैकल का बहुत ज़्यादा डैमेज आता है। देखिए अभी ये स्नाइपर है, तो ये देखिए ये स्पेस शैकल का 1869 डैमेज आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अब जैसे कि इधर तीन है, मैं आपको मूव कूल डाउन को पहले ख़त्म कर देता हूँ। तो अब जैसे कि तीन लोडेड है मेरे स्पेस शैकल, तो मैं पहले मारूंगा एक, फिर सिर्फ 2 सेकंड का कूल डाउन आएगा, फिर मैं ऐसे एक और मारूंगा, फिर थोड़ा कूल डाउन आएगा। तो ऐसे आप टोटल 3 बार यूज़ कर सकते हैं, जिसका आ रहा है 5600 का डैमेज, जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है। बाकी इसकी शेडो स्नीक इसे मूवमेंट स्पीड प्रोवाइड करती है 3 सेकंड के लिए, उसका कूल डाउन 12 सेकंड है। आप इसकी जगह लीफ स्टॉर्म भी कर सकते हैं यूज़, ये जैसे भागने के काम है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डैमेज दे देता है, देखिए 281 का। पर अगर आप लीफ स्टॉर्म मारेंगे तो थोड़ा सा दूर चले जाएगा, सेम ही बात पड़ती है। पर मैं तो लीफ स्टॉर्म, आपकी मर्ज़ी है, मतलब आप जो यूज़ करना चाहते हैं, पर मैं तो लीफ स्टॉर्म ही यूज़ करता हूँ इसके साथ। कभी कभी शेडो स्नीक करता हूँ और इस पर अब मैं हम इसकी बात करते हैं रेजर लीफ और लीफ स्टॉर्म की बात। पहले हम जैसे कि रेजर लीफ है, इसको देखिए, इसके कुछ पत्ते से आ जाते हैं नीचे, और ये काफ़ी हाई डैमेज दे देता है। इससे बेसिक अटैक से इसका डैमेज आता है, और ये काफ़ी देर के लिए रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा डैमेज देता है। देखिए एक रेजर लीफ का डैमेज देखा आप, ये एक तो नहीं, मैंने पहले भी थोड़ा सा मारा है रेजर लीफ। इससे आपको ना बफ मिल जाता है आपके बेसिक बूस्टेड अटैक का, और इसके बेसिक बूस्टेड अटैक बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अब जैसे नॉर्मल में आपने 2 बेसिक बूस्टेड अटैक मारे, तो एक येलो वाला यानी कि स्पेशल बूस्टेड बेसिक अटैक बन गया, तो फिर उसके बाद आपका उस पर ज़्यादा डैमेज आता है। पर इसका आपको 4 बार मारना होगा, फिर उसके बाद आपका ना जहाज ना बेसिक बूस्टेड अटैक होगा वो। हाँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी, जैसे कि गार चौंप की इन सब की बात बड़ी अच्छी है। और आप नीचे ही देख सकते हैं इसके स्टैक होते रहते, 4 का स्टैक है देखे अभी। और अब हम इसकी बात करते हैं लीफ स्टॉर्म की। देखें अपने लीफ स्टॉर्म 6 सेकंड का इसका कूल डाउन होता है, और ये थोड़ी देर के लिए स्टन प्लस आगे धक्का भी देता है। ये देखिए 465 का डैमेज प्लस स्टन भी आया, और थोड़ा सा वो भी। अब जैसे कि आपने लीफ स्टॉर्म से दूरी करी और फिर आपने रेजर लीफ से डैमेज दिया, आप रेजर लीफ भी खेल सकते हैं और स्पेस शैकल आप जब खेले, जब गार चौंप है सब, तो उससे आपका काफ़ी अच्छा डैमेज आ जाएगा। वैसे तो आप हमेशा ही खेल सकते हैं स्पेस शैकल, और प्रो प्लेयर्स वही यूज़ करते हैं, पर आपकी मर्जी है। स्पेस शैकल की जगह आप रेजर लीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेजर लीफ का भी काफ़ी हाई डैमेज आता है। अब हम इसके बाद करते हैं यूनाइट मूव की। यूनाइट मूव का इसका नाम है नॉक नॉक, जो कि काफ़ी हाई डैमेज देता है, और ये काफ़ी पोकेमॉन्स को जैसे कि वन शॉट कर सकते हैं, काफ़ी नहीं हर पोकेमॉन्स को, जिसका बहुत हाई डैमेज आता है। और ये स्टीलिंग के लिए भी बहुत अच्छे है। रेक्वाजा वाला टाइम चल रहा है, अपने इधर से आप खड़े हुए आपने नॉक नॉक चला दी का, रेक्वाजा पे भी डैमेज आएगा और पूरी स्क्वाड पे भी। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा रेंज है, मतलब इसकी अब हम बस एक यूनाइट मूव का इसका आप डैमेज देखिए। आप इसे जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं, पर अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका सामने ही टारगेट है। तो इसमें 11800 का डैमेज आया, उसका इतना भी ज़्यादा कूल डाउन नहीं है, कम है। तो आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप ज़्यादातर स्टीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लस पीछे से आप बहुत अच्छा कवर दे सकते हैं। आप सोच ही सकते हैं 11800 कितना ज़्यादा डैमेज होता है, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डैमेज डील करते हैं सारे यूनाइट मूव्स में, इससे हाई डैमेज कोई नहीं देता। अब इससे अंदाज़ा लगाएं, जैसे जो होता है सिंडर है, इसकी 1900 का डैमेज देती है उसकी यूनाइट मूव ब्लेजिंग बाइसिकल किक। तो आप सोचें इसका कितना ज़्यादा डैमेज है यानी, और ये काफ़ी पोकेमॉन्स को एक साथ आप इसे टेक डाउन कर सकते हैं।
जैसे कि 15,000 समझ ले, 5,000 हर किसी के HP है, वैसे तो होती नहीं है, जैसे ग्रीन निंजा की 3,600 कुछ ऐसे ही होती है, पर समझ ले तो हर किसी की 5,000 है, तो ये 11,800 का इसने डैमेज दिया। और फिर उसके बाद आपका जो सामने पोकेमॉन खड़ा है वो भी थोड़ा डैमेज देगा, तो उससे आप 3 बंदों को टेक डाउन कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी गाइड तो थी, अब इसके हम बात करते हैं बैटल आइटम्स आप इस पर क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप इसमें अगर आपको रेजर लीफ लेना है, मसल बैंड, रैपिड फायर स्कार्फ, और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं स्कोप लेंस, क्योंकि इसका क्रेट बहुत सही है। और अगर आपको थोड़ा सा जैसे रैपिड फायर स्कार्फ को हटा के आप बडी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रेफर करूँगा बडी ही यूज़ करें क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरत है। अब आप सामने खड़े होकर चला कर खड़े हो गए यूनाइट मूव, तो क्या होगा, सामने वाला आपको देखे पेल देगा, तो इसी वजह से आपको ऐसा नहीं करना है। बड़ी बैरियर आप ले सकते हैं, और अगर आपको खेलना है स्पेस शैकल तो आप मसल बैंड ले सकते हैं, और स्कोप लेंस तो आपको लेना ही है क्योंकि इसके क्रेट बहुत अच्छे हैं। स्कोप लेंस और इस पे लेना है बड़ी बैरियर, क्योंकि वो जैसे ही आप यूनाइट मूव यूज़ करेंगे तो उसको तो ज़्यादा आपको शील्ड मिल जाएगी। उसकी यूनाइट मूव के ऐसे बफ होते हैं 20% शील्ड ऑफ मैक्स HP, 30% मूवमेंट स्पीड इनक्रीज, और 30% कूल डाउन रिडक्शन। सो यही थी हमारी आज की गाइड वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।